हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड टाइम फूडिशियस। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही टेस्टी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम से भरपूर है ये। इस हलवे को आप सुबह एक चम्मच खा लें, इससे आपको चुस्ती मिलेगी और थकन दूर होगी आपकी, और साथ ही पेट भी भरा भरा सा रहेगा और भूख नहीं लगेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसे। यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 चम्मच घी ले लिया है, घी को गर्म कर लिया है, और 1 कप मैंने यहाँ पर मखाना ले लिए हैं। तो मखाने को हमें रोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है, और जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक हम इसे रोस्ट कर लेंगे। मखाना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी कम करता है, हेल्दी स्किन के लिए अच्छा है, वेट लॉस और कैल्शियम और जॉइंट पेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। अब मैंने यहाँ पर मखाने को निकाल लिया है, मैंने पैन में डाल दिया है मुट्ठी भर बादाम। बादाम को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी खसखस, ये 3 से 4 चम्मच होगी। तो खसखस के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खसखस जिसे पॉपी सीड्स भी कहते हैं, तो पॉपी सीड्स के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बादाम हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और पॉपी सीड्स के लिए जो खसखस जिसे हम कहते हैं, ये हमारे दिमाग को बहुत ही सुकून देती है, शांत करती है। अब यहाँ पर हमने रोस्ट कर लिया है और उसे निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ ले लिया है, तो 1 कप गुड़ लेंगे और इससे हम उसी कप से हमने 2½ गिलास हमने पानी ऐड करना है, और इसे हमने उबलने देना है। पानी उबल जाए और गुड़ पिघल जाए, बस हमें इतना ही इसे पकाना है। यहाँ पर हमें कोई तार की चाशनी नहीं चाहिए। इसमें उबाल आने के बाद में हमें 2 मिनट पका लेना है और गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। यहाँ पर मखाने और बादाम को मैंने जो ड्राई रोस्ट कर लिया था उसे, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, कुछ इस तरह से है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा ही है, इसी तरह का हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमने पैन को गर्म कर लिया है और उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच घी, और उसमें हम ऐड करेंगे 1 कप भर के दलिया। तो जो बहुत ही बारीक वाला दलिया आता है गेहूं का, वो है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं दलिया। दलिया का इस्तेमाल हमें नाश्ते में ज़रूर करना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है ये, और इसे खाने से हमारा पेट भरा भरा सा लगता है और बहुत ही चुस्ती और फुर्ती बदन में रहती है, और थकन नहीं लगती है, कमज़ोरी नहीं लगती है। ये दलिया जो है प्रोटीन और आयरन से भरपूर है, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में फाइबर्स होता है, और इसे हम एक बार सुबह में खा लें तो इसका अगर नाश्ता हम कर लें तो हमें दिन भर भूख नहीं महसूस होगी, थकन महसूस नहीं होगी, और बदन में चुस्ती और फुर्ती रहेगी। तो इसे हमें नाश्ते में ज़रूर से इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी हम खिचड़ी बनाकर खाते हैं, इसका सूप बनाकर हम पीते हैं। आज हम इसका हलवा बनाएंगे, तो बहुत ही हेल्दी हलवा बनेगा। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी ऐड किया था और इसे अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होता जा रहा है, तो हमें थोड़ा सा और करना है इसे रोस्ट, अच्छा सा इसका कलर आ जाएगा गोल्डन और अच्छी से खुशबू आने लगेगी। तो हमें समझ जाना है कि ये हमारा जो है दलिया अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मखाना और बादाम का और खसखस का जो हमने पाउडर बना लिया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू लो रखना है। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे। अब हमने जो गुड़ का पानी बनाया है उसे हमने इसमें ऐड करना है, तो इसे हमने छान कर डालना है कि अगर इसमें कोई कचरा होगा तो वो निकल जाएगा। लेकिन देखिए, बहुत ही साफ था ये गुड़, तो इसमें बिल्कुल भी कचरा नहीं निकला है, और यहाँ पर मैंने इसमें सारा गुड़ का पानी डाल दिया है, और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। इसे पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है। 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड की है, और 2 चुटकी मैंने यहाँ पर केसर के धागे डाल दिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आएगा इससे। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे चलाते हुए पका लेना है।
धीरे धीरे ये सूखने लगेगा। दलिया को गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाएंगे। बहुत ही जल्दी ये सूखने लगेगा। तो ये देखिए सूख रहा है ये। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वक्त में हमें क्या करना है कि इस पर हमने ढक्कन ढक देना है और 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हमें इसी तरह से ढक देना है। तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे दलिया। तो ये देखिए 5 मिनट के लिए मैंने बंद किया था ढक्कन, 5 मिनट हो गए हैं। तो हम चेक कर लेंगे, हमारा दलिया बहुत ही अच्छे से फूल कर तैयार हो गया है। और देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आया है। हमारा दलिये का हलवा रेडी है। यहाँ पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसे कांच की ट्रे में निकाल लिया है। आपने इसे क्या करना है, एक कोई भी एयर टाइट कंटेनर में इसे डालकर रख लेना है। और इसे आपने क्या करना है, सुबह में एक चम्मच या तो 2 चम्मच आप खा लें और इसके साथ में दूध पी लें, तो आपका नाश्ता जो बहुत है भरपूर नाश्ता हो जाएगा आपका, आपको भूख नहीं लगेगी। और बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बच्चों को एक चम्मच दे दें आप और इसे उसके साथ में दूध दे दें, बहुत ही हेल्दी नाश्ता हो जाएगा ये। ऊपर से मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया है, तो अच्छी सी शाइन आ गई है हमारे हलवे में। इसे आपने क्या करना है, एक एयर टाइट कंटेनर में से रख लेना है डब्बे में डालकर, और रोज़ाना सुबह में आपको इसका इस्तेमाल करना है। और जब ये ख़त्म हो जाए तो आप दूसरा बना लें और इसे कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। मैंने यहाँ पर इसे डेकोरेट कर लिया है बादाम और पिस्ते से, और इसे हम कट कर लेंगे। इसी तरह से निशान मैंने बना लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।